मथुरा जनपद की पुलिस अन्य राज्यों से तस्करी के लिए लाई जा रही शराब की रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के मद्देनजर थाना कोसी कला की कोटवन पुलिस चौकी को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर चंडीगढ़ से आते हुए शराब से भरे हुए ट्रक को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक के साथ दो शराब तस्कर सुनील पुत्र मांगेराम और सोनी पुत्र चमनलाल निवासी हिसार हरियाणा को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने 100 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब की कीमत 8,50,000 रुपये बताई है। पुलिस ने हरियाणा मार्का की 100 पेटी अवैध शराब से भरे ट्रक को अपने कब्जे में लेकर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में और अधिक जानकारी दी छाता क्षेत्र अधिकारी जगदीश कालीरमन ने। श्रीमान SSP महोदय के कुशल निर्देशन में अवैध शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलता रहता है और उसी के तहत जो कोटवन चौकी है वहाँ पर सूचना मिली थी जो हमारे इंस्पेक्टर हैं चौकी इंचार्ज हैं कोटवन उनको कि मुखबिर द्वारा की अवैध दारू की तस्करी होने वाली है। और जब टाटा 407 को रुकवाया गया और जब उसको चेक किया गया तो उसके अंदर जिप्सम भरा हुआ था और जिप्सम की बोरी के नीचे ये दारू थी। 100 पेटी दारू पकड़ी गई है, रॉयल स्टैग हरियाणा मार्ग का है ये, जिसकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपये है और ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। अवैध शराब की तस्करी पे इस पर रोक लगती है और जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त होते हैं और हमारे इंस्पेक्टर के कुशल निर्देशन में पूरी टीम बनी थी और इसमें जो लड़के जो दो अभियुक्त हैं ये दोनों के नाम हैं सुनील और सोनी, ये दोनों मसूदपुर गांव के हैं जो कि थाना हाँसी जिला हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों और ये इस दारू को चंडीगढ़ से पटना ले जा रहे थे।